चलो इधर देखो, ये ग्राउंड है और ये हमने बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, फिर ये बॉल ऊपर आएगी, फिर ये बॉल नीचे आएगी, फिर ये बॉल ऊपर जाएगी टकरा के, है ना? ऐसा होगा, कैसा होगा? ये बॉल आई सर, यहाँ पे टकराई। हम अभी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 नहीं मान रहे हैं, हम जनरल केस ले रहे हैं कि कुछ होगी वैल्यू। फिर ये टकराया और ऊपर गया, लेकिन ये पूरा ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हुआ था। फिर यहीं से ये वापस नीचे आया, फिर ये यहीं से वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, है ना? फिर ये यहीं तक जा पाया और नीचे आ गया, फिर ये यहीं तक जा पाया और नीचे आ गया। ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक करता रहेगा ना ये? हमें नहीं पता, लेकिन करता रहेगा। बोल, डायग्राम में मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा है सभी को? ये हाइट है h, तो ये वाली हाइट होगी कोई h1, ये वाली हाइट होगी h2, और ये वाली हाइट होगी h3। ये वाली हाइट होगी h4, है ना? तुम अगर ध्यान से देखो तो बॉल ने एक बार h चला है, लेकिन दो बार h1 चला है, दो बार h2 चला है, दो बार h3 चला है, ऐसे एंड सो ऑन। बोलो ऐसा हुआ है क्या? जवाब दो, यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर यहां तक समझ में आया अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो हमें कोलिजन लिखना है ना? यहां पे वेलोसिटी जीरो, कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी? सर, कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी अपन u1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? u1। मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, u1। कोलिजन होने के बाद में ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी? u2, वो भी u1 ही, सॉरी v1। वो क्या होगी? v1, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। बोलो क्या ये u1 और v1 समझ में आए? u1 वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, v1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, जब ये हवा में ऊपर नीचे गया तब कोई लॉस थोड़ी हुआ था? ये यहां से यहां तक गया तो यहां पे वेलोसिटी जीरो। मैं लिख रहा हूं पॉइंट, तुम लोग समझते जाओ। ये भी जीरो। जब ये नीचे आया तो वापस इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया होगा? v1 ही हो गया होगा, ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। क्या हो गया होगा मैग्नीट्यूड? v1 ही हो गया होगा। इतना क्लियर है क्या? क्या ये दोनों v1 सभी बच्चों को समझ में आए जो क्लास में बैठे हैं और सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं? फिर यहां पे टक्कर हुई होगी तो दूसरी टक्कर के बाद में क्या हो गया होगा? v2 हो गया होगा सर, ऊपर जाने वाला मैग्नीट्यूड। फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, और यहां नीचे आने पे वापस मैग्नीट्यूड कितना? v2, है ना? और ग्राउंड तो रेस्ट पर है, कोई बॉल टकराती है तो ग्राउंड थोड़ी चलता है। ग्राउंड एट रेस्ट,
क्लियर हुई बात हर किसी को अच्छे से? तो यहां पे अगर मैं लिखूं E इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, यही पढ़ाया था आपने। पहले वाला केस देखो जिसको मैं ब्लू कलर के पेन से मार्क कर रहा हूं, ये वाली सिचुएशन देखो, ये यहां पर टक्कर की ये, सभी लोग ये ब्लू कलर वाली सिचुएशन देखो क्या हुआ है। सर बॉल आई है U1 से और 2 मानते थे आप जिससे टकरा रही है, तो ग्राउंड कौन है? 2 है, तो ग्राउंड की तो चला ही नहीं, ग्राउंड शुरुआत में नहीं चल रहा था, फिर ग्राउंड टक्कर के बाद भी नहीं चला। माइनस वी वन वेक्टर, अगर सर हम ध्यान से देखें तो E बराबर माइनस वी वन तो ठीक है, यू वन नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो माइनस माइनस कट गया तो वी वन बाय यू वन, तो ई बराबर यू वन अंडर रूट यू वन बराबर वी वन। और तुम सब जानते हो यू वन कुछ नहीं होगा, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी लगाओगे तो ये अंडर रूट टू जी एच ई है। यू वन कितना है? अंडर रूट टू जी एच, तो यहां पर वी वन की वैल्यू कितनी आ गई? E times of under root 2gh, clear है क्या ये बात सभी को? मैं यहीं पे थोड़ा रुकूंगा, ये नहीं लिखता मैं अभी। अगर कोई बच्चा मान लो आपकी क्लास में से खड़ा हो जाता और ये कहता कि सर हमको ना आप ये वाले केस में बताओ क्या होगा, मान लो जैसे कि ग्रीन कलर से ये वाला जो केस है यहां पे क्या होगा ये वाले में, तो मैं कहता कि बेटा होगा वही, बस नाम बदल जाएगा, v2 minus v1 upon u1 minus u2 लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिख देंगे v2 vector minus v2 vector upon में v1, v1 का साइन नीचे है तो v2 by v1, बोलो e बराबर v2 by v1, टक्कर के बाद पहली वेलोसिटी आ गई e टाइम्स ऑफ u1, टक्कर के दूसरी टक्कर के बाद जो वेलोसिटी आई वो आई e टाइम्स ऑफ v1, v1 की वैल्यू यहां डाल दूं तो e स्क्वायर टाइम्स ऑफ u1। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया जो मैंने डब्बे में लिखा है सभी को? अगर ये समझ में आया तो ऐसे nth टक्कर तक क्या हो जाएगा? सर nth टक्कर तक e की पावर n u1, और u1 निकालना तो आसान है सर, बोलो क्लियर है क्या? कॉपी में हेडिंग डालो, अरे ये क्या हो गया, अरे 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 एक दो कॉपी में हेडिंग डालो, कोलिजन अंडर वर्टिकल डायरेक्शन, और ये सारी बातें लिखो यहां तक, और इसको नाम देना वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर nth कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर nth कोलिजन, पार्टिकल आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा चलिए इतना लिखा, मैं इसी को रब करता हूं, ये रब नहीं होगा क्या?
ऐसा नहीं हो सकता स्वामी, कैसे होगा जब तक कोई नीचे से पुश नहीं करेगा। चलिए तो यहां पर एच हाइट से नीचे आया था, H1 तक ऊपर गया था, फिर H1 से नीचे आया था, फिर H2 तक ऊपर गया था, फिर H3 तक ऊपर गया था, फिर H4 तक ऊपर गया था, और ऐसे चल रहा था, है ना। H यही लिख देता हूं मैं, H1, H2, H3, H4, ये ऐसे चल रहा था, है ना। तो हमें निकालना है हाइट। तो देखो इधर देखो, V1 इज इक्वल्स टू e की पावर अंडर रूट 2 H, H1 ऐसा लिख सकता हूं क्या? V1 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुको, हम फॉर्मूले वाइज चलते हैं। इधर देखो, V1 इज इक्वल्स टू e की पावर u, e अंडर रूट 2gh। V2 इज इक्वल्स टू e स्क्वायर अंडर रूट 2gh, है ना। या मैं कहूं तो इसको लिख सकते हैं e अंडर रूट V1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं e अंडर रूट 2g h1। बोलो, मुझे आंसर e के टर्म्स में चाहिए ना, h nth का। तो क्या करेंगे हम, लिखते हैं रुको, v इज इक्वल्स टू, इतना आ गया, e इज इक्वल्स टू, तो v1 v2 आ जाएगा यहां से e स्क्वायर अंडर रूट 2gh। ऐसे करते करते वी एन आ जाएगा e की पावर n अंडर रूट 2gh। अच्छा, तो मैं h हाइट को देखूं तो h हाइट कितनी आ रही है सर? यहां से लिखेंगे v1 अपॉन में v1 स्क्वायर e स्क्वायर बाय 2g इक्वल्स टू h, ऐसा लिखेंगे। और यहां से लिखेंगे वी एन का स्क्वायर ई की पावर एन का स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर 2n 2g इक्वल टू hn, nth हाइट। तो अगर इस रेशियो को हम डिवाइड कर दें, h बाय hn इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये V1 स्क्वायर, 2gh कट रहा है लेकिन V1 नहीं कट रहा है, रुको कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, ये H आएगा। तो V और VN में एक रिलेशन आ रहा है यहाँ से, रुको, V1 स्क्वायर E स्क्वायर 2g और वी एन स्क्वायर ई की पावर 2n 2g, तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा V1 बाय VN का होल स्क्वायर ई की पावर 2n-2। कुछ सिंप्लीफाई हो कि नॉर्मल आंसर, V1 और VN में क्या लिखेंगे हम आंसर? V1 और VN में लिख सकते हैं ई रूट 2gh और ई की पावर n रूट 2gh, तो कट के कुछ आंसर नहीं दे रहा हमें। अच्छा चलिए, एक 2 मिनट मुझे करने दो सॉल्व। इधर देखो, एक छोटी सी एरर थी, V1 की वैल्यू हमने लिख सकते हैं ना E अंडर रूट 2gh, इतना समझते हो? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इतनी सिचुएशन को देखो, ये यहां से नीचे आ रहा है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को ध्यान से देखो, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हो? ए पे तो वेलोसिटी 0 है सर, ए पे वेलोसिटी 0 है, तो अगेन V1 स्क्वायर इक्वल टू 2g h1, तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 भी तो लिख सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी से। अरे यार, तो
यहाँ पे क्या लिखोगे, टू जी एच वन अंडर रूट इक्वल्स टू ई की पावर टू जी एच, ऐसी एक एनालॉजी बन रही है ना। तो अगर मैं ऐसे ही कहूं वी एन बराबर ई की पावर एन यू होता है, ये तुमने अभी लास्ट उसमें डिराइव करा, तो बेटा वी एन की जगह पे भी तुम ऐसा लिख सकते हो ना, टू जी एच एन ई की पावर एन टू जी एच अंडर रूट। टू जी एच एन ई की पावर टू एन टू जी एच, तो टू जी से टू जी कट गया, तो एनएथ हाइट कितनी आ गई, एनएथ इज इक्वल्स टू ई की पावर टू एन इन टू एच। एनएथ हाइट क्या होगी, मैंने कहा कि दसवें कोलिजन, दसवीं टक्कर के बाद कितनी हाइट अचीव करेगा, एन इज नंबर ऑफ कोलिजन, कंफ्यूज ना हो, एन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, हिंदी में लिख लो नंबर ऑफ टक्कर। एन इज नंबर ऑफ कोलिजन, समझे इतना। हम इसमें और आगे देखें तो ये एच हाइट टक्कर हुई, एच वन ऊपर गया, ये एच हाइट नीचे आया, एच वन ऊपर गया, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एंड सो ऑन, है ना। एच एच वन लिख रहा हूं, एच टू लिख रहा हूं, एच थ्री लिख रहा हूं। अब हमसे पूछा जा रहा है टाइम टेकन इन एनएथ रिबाउंड, क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम टेकन इन एनएथ रिबाउंड, एन टक्कर में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम नहीं निकाल रहे हैं अपन, है ना, पहले बात को समझो ध्यान से, क्या निकाल रहे हैं अपन, टाइम निकाल रहे हैं कि एच वन यहां हुई जो टक्कर और यहां जो टक्कर हुई उनमें कितना टाइम है, ठीक है। सक्सेसिव टक्कर में रिबाउंड मतलब बाउंसिंग, ठीक है। तो एच वन बराबर अभी तुमने क्या लिखा, एच एन बराबर ई की पावर टू एन एच, है ना। तो अगर तुम्हें एच वन हाइट कवर करी तो तुम्हें कितना लगा, ई स्क्वायर एच। मान लो तुम्हें एच हाइट कवर करने में लगते हैं टी टाइम, कितना लगता है टी टाइम, टी इज द टाइम टू कवर एच हाइट, टाइम टू कवर एच हाइट। तो एच वन हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर ई स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो मैंने सही लिखी है क्या दोनों इक्वेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी लगा रहा हूं मैं तो बार बार। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं तो एच एन इज इक्वल्स टू ई की पावर टू एन एच हाफ जी टी एन का स्क्वायर बराबर ई की पावर टू एन हाफ जी टी स्क्वायर, जी बाय टू और जी बाय टू कैंसिल हो गया, तो टी एन बराबर कितना बचा, ई की पावर एन इंटू टी या e की पावर n अंडर रूट टू एच बाई जी। समझ में आया क्या सभी को, जरा इसको लिखो सभी लोग, एक छोटा सा करेक्शन कर लो, ये e की पावर 2n आएगा, ये नहीं बेटा रूट आ गया ना, सही तो है, सही है रूट आ गया ना साक्षी, रूट आ गया ना, हमने रूट इंटरचेंज करे ना, रूट कैंसिल करे। चलिए हुआ क्या था सभी लोगों से, कैसे आएगा बेटा, तुम लोगों को मैथ्स नहीं आता यार, जब टी एन में ई की पावर
टू एन टी स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट लोगे तो ये टी एन हो गया, ये रूट से एक टू कैंसिल हो गया ना, चलिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरी पंचायत जो हुई है, यहीं पे करते हैं हम सॉल्व, ये पूरी पंचायत में कितना समय लगेगा, तो कोई बता सकता है क्या कि मान लो ए से ये जमीन तक टच होने में कितना समय लगेगा, कोई भी मुझे बता सकता है क्या? एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सोचो। समझ में आया टोटल टाइम हमने कैसे निकाला? टोटल टाइम फिर से एक्सप्लेन करूं क्या मैं, अगर नहीं आया हो तो? देखो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि मान लीजिए टी समय लगा है ये वाली हाइट आने में, उसके बाद यहां से ऊपर जाने में लगा टी वन, फिर लगा टी टू, तो दो बार लगा टी वन, दो बार लगा टी टू, दो बार लगा टी थ्री, तो दो कॉमन ले लिया, तो टी वन को लिख सकते हैं हम ई टी, ई स्क्वायर टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहां से हमने टी कॉमन ले लिया और ई की इनफाइनाइट तक एडिशन हो रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी बन रहा है ये, तो इसका फॉर्मूला हमें पता था, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन डिफरेंस। ये लिख करके ये ग्रीन पेन से देखो यहाँ सॉल्व किया है, टी कॉमन ले लिया और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो ये क्या आ गया, टोटल टाइम, मतलब जब तक बॉल जमीन पे आके रुक नहीं जाती तब तक जो समय लगेगा वो कितना होगा, ये होगा आंसर। क्लियर है? लिखो इसको फटाफट। क्या पूछ लेता है? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम कुछ सोचो। सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैपिटल टी, तो डिस्प्लेसमेंट तो एच ही का हुआ और टोटल टाइम टी लगा, एच टोटल टाइम तुमने अभी निकाला है टू एच बाई जी अंडर रूट वन प्लस ई अपॉन में वन माइनस ई, बोलो ना यार एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारी, जी एच बाय टू अंडर रूट वन माइनस ई अपॉन में वन प्लस ई, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? इसको लिखो। कभी कभी वो पूछ लेता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये हम नीचे आए फिर ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर गए, ऐसा कराना, तो टोटल डिस्टेंस h प्लस टू एच वन प्लस टू एच टू, ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स तक कवर किया है हमने। h प्लस टू कॉमन ले लो सर, एच वन प्लस एच टू एच टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो अगर हम देखें तो एच, अब एच वन को क्या लिख सकते हो, याद करो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, एच एन इज इक्वल्स टू ई की पावर टू एन इन टू एच, तो एच वन क्या हो जाएगा ई स्क्वायर एच, एच टू क्या हो जाएगा ई की पावर फोर एच, एच थ्री क्या हो जाएगा ई की पावर सिक्स एच, ऐसे चलता रहेगा ना, तो एच प्लस टू एच कॉमन ले लो तो ये क्या बच गया, ई स्क्वायर कॉमन ले लो पूरे में से, तो वन प्लस ई स्क्वायर प्लस वन प्लस ई स्क्वायर, तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात सभी लोग, ये एट टू फोर एट आएगा, सॉरी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो h कॉमन आ गया, प्लस h, इसको सॉल्व कैसे करें हम, वापस से इसमें एपीजीपी लगा दें क्या, वन प्लस इस वाले पार्ट में अगर हम
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाएं तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो ना पूरा। सॉल्व करने पे जो टोटल डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ सभी लोग। सर अगर सॉल्व करें तो ये तो हो गया एच, आप पूरे में से कॉमन ले लो तो ये हो गया वन प्लस टू ई स्क्वायर और ब्रैकेट में वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये तो कट गया, आंसर आ रहा है एच इज इक्वल्स टू वन प्लस टू ई स्क्वायर वन प्लस टू ई स्क्वायर होल अपॉन में वन माइनस ई स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में, दिस इज द टोटल एच। वन प्लस ई स्क्वायर यहां ले लो तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच की वैल्यू आ रही है वन प्लस ई स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ये इंटू में है, इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आया सभी को? लिखो ना इसको फटाफट। लास्ट पार्ट देखते हैं हम, दैट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है सर? टोटल डिस्टेंस अभी आपने लिखा है एच इंटू वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस ई स्क्वायर। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम जो हमने लिखा है वो लिखा है अंडर रूट टू एच बाय जी वन प्लस ई अपॉन में वन माइनस ई। इसको सॉल्व करेंगे, मैं खैर मैं फिलहाल में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जी एच बाय टू वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई। नहीं, वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ई का होल स्क्वायर। मैं भी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप भी डायरेक्ट ही याद रखिए। क्लियर है? गलत लग रहा है मुझे थोड़ा, रुको साले कभी जीवन में ये सुख आएगा ही नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जी एच बाय टू तो ठीक है, वन प्लस ई स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इंटू वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई, है ना? यही है। ओह, ये तो गणित लग गया बहुत सारा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? वन प्लस ई स्क्वायर वन माइनस ई, इसको लिखते हैं वन प्लस ई इंटू वन माइनस ई वन प्लस ई। तो ये कट गया इससे, सही है, सही था फॉर्मूला। जी एच बाय टू अंडर रूट वन प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस ई का होल स्क्वायर, दिस इज द एवरेज स्पीड। चलो लिखो इतना। कल की क्लास ऑब्लिक कोलिजन का कुछ अच्छा पार्ट डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी कल की, है ना? और परसों से हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए मॉड्यूल बिगनर बॉक्स 3, सारे वर्टिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट।